औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एडीपी सेकंड सेमेस्टर के फाइनल टर्म की डेट शीट को आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। अब जैसा कि मेरी पहली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये कहा था कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो डेट अक्टूबर में चली गई है और वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, तो वो खबर बिल्कुल ठीक थी। अब उसका बाकायदा तौर पे जो नई डेट शीट है वो भी हमारे पास आ चुकी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। अब जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर है एडीपी सेकंड सेमेस्टर, और उसमें 21 अक्टूबर को इंग्लिश लिटरेचर, ये है आप लोगों का। और जो इसके लिए टाइमिंग है आप लोगों की पेपर की, वो 2:30 से 4:45, ये आप लोगों की टाइमिंग है। 2:30 से 4:45 PM ये आप लोगों का एग्ज़ाम का टाइम है सेकंड टाइम के लिए। और फर्स्ट टाइम में भी ये पेपर नहीं होते, जैसा कि आप सबको मालूम है, ये सिर्फ सेकंड टाइम ही होते हैं। तो 21 को आप लोगों का इंग्लिश लिटरेचर का पेपर है, 22 अक्टूबर को आप लोगों का क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग का पेपर है, 23 को बेसिक हेल्थ अवेयरनेस का पेपर है। इसके बाद अब हमारे पास आ जाएंगे वो तमाम सब्जेक्ट्स। अब ये पहले जो थे हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट थे, जिसमें इंग्लिश, क्रिटिकल थिंकिंग और बेसिक हेल्थ अवेयरनेस, ये सब के सेम ही हैं, चाहे वो जिस मर्जी ग्रुप में वो कर रहे हैं। अब बाकी जो आप लोगों के, जिसमें आप लोगों के पास चॉइस होती है, अब वो मैं आगे स्टार्ट करने जा रहा हूँ 25 अक्टूबर से। अब क्योंकि 24 को जो है वो संडे आ जाएगा, 25 अक्टूबर मंडे को आप लोगों का बायो, बॉटनी, केमिस्ट्री, अर्थ साइंसेस, इन्वायरमेंटल साइंस, एवरीडे साइंस, फूड साइंस, जियोग्राफी, फिजिक्स, जुआलॉजी। अब इनका जो पेपर है वो आप लोगों का 25 अक्टूबर को है, ठीक है। दोबारा मैं एक बार आप लोगों के लिए बता देता हूँ कि कौन कौन सा पेपर है ये। 25 अक्टूबर को बायो, बॉटनी, केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, एवरीडे साइंस, फूड साइंस, जियोग्राफी, फिजिक्स, जुआलॉजी, इसका पेपर आप लोगों का बच्चे 25 अक्टूबर 2021 मंडे को होगा। और टाइमिंग जो मैंने आप लोगों को बताई है 2:30 से 4:45 PM। इसके बाद जो 26 को अब जो ग्रुप आ रहा है उसके अंदर कौन कौन से पेपर हैं, उसमें है इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंटरप्रिटेनरशिप, जेंडर स्टडीज़, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, लाइब्रेरी साइंस, मीडिया स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, सोशोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन, ये 26 अक्टूबर इसका पेपर होगा। दोबारा रिपीट करता हूँ, 26 अक्टूबर के लिए इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंटरप्रेन्योरशिप, जेंडर स्टडीज़, हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जिसे IR बोलते हैं, लाइब्रेरी साइंस, उसके अलावा मीडिया स्टडीज़, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन, इसका जो पेपर है आप लोगों का वो 26 अक्टूबर को है। अब जो लास्ट पेपर है 27 अक्टूबर को, दिन हमारे पास बनेगा ये वेडनेसडे का, जिसमें हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हमारे पास अरेबिक, इंग्लिश लिटरेचर, सराइकी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, इकबालियात, फाइन आर्ट्स, इस्लामिक हिस्ट्री, US हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, होम इकनॉमिक्स, उर्दू लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, सराइकी लैंग्वेज और पर्शियन, ये बच्चे आप लोगों के जो 27 अक्टूबर, अगेन रिपीट कर रहा हूँ 27 अक्टूबर के लिए कौन कौन से पेपर हैं। इसमें हमारे पास टोटल लिटरेचर है, जिसमें हमारे पास अरेबिक, इंग्लिश लिटरेचर, सराइकी लिटरेचर, उर्दू लिटरेचर, इकबालियात, फाइन आर्ट्स, इस्लामिक हिस्ट्री, US हिस्ट्री, ब्रिटिश हिस्ट्री, होम इकनॉमिक्स, उर्दू लैंग्वेज, अरेबिक लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, सराइकी लैंग्वेज एंड पर्शियन, इसका जो पेपर है आप लोगों का वो 27 अक्टूबर, ये लास्ट पेपर है वेडनेसडे का। अब इसके अंदर कुछ जो है वो आप लोगों के लिए गुजारिशात हैं, जो कि उन्होंने मेंशन किए हैं, नोट डाउन करवाया है कि आप लोगों ने सेंटर 2 PM पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि 2:30 पर आप लोगों का पेपर स्टार्ट होगा, तो 2 बजे वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने रिपोर्ट टू द सेंटर एट 2 PM। उसके अलावा मोबाइल फ़ोन, जैसे कि आप लोगों को पता है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, वॉचेस वगैरह, ये कोई चीज़ जो है वहाँ पे अलाउ नहीं होती। अब जो मोस्टली गर्ल्स होती हैं जो हैंडबैग्स वगैरह वो लेके जाती हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि वो इनविजिबल ना हो, मीन्स के वो क्लियर हों, क्रिस्टल टाइप हों, उनमें से अगर चीज़ें रखी भी जाएँ तो वो नज़र आनी चाहिए,
तो इस तरह का आप लोग वो ले जा सकती हैं। इसके अलावा है ओरिजिनल आईडी कार्ड आप लोग लेके जाएंगे, रोल नंबर स्लिप आप लोग लेके जाएंगे। कैंडिडेट्स विल नॉट बी अलाउड टू सीट इन द एग्जाम सेंटर विदाउट ओरिजिनल सीएनआईसी और रोल नंबर स्लिप। उसके बाद है आप लोगों का सॉल्व द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑन आंसर शीट इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब जो आप लोगों को आंसर शीट दे दी जाएगी जिसके ऊपर आप लोग अपना रोल नंबर मेंशन करते हैं, उसके ऊपर ही आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव को हल करना होगा। ये अब क्लियर कट लिखा हुआ है, सॉल्व द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑन आंसर शीट इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन पेपर। इसके बाद जो हमारे पास नोट हमें करवाया गया इंस्ट्रक्शन है वो ये है, सिलेबस हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू ऑल एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स और गेट द साइंड कॉपी ऑफ सिलेबस फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट। ये अब ये टीचर्स के लिए और जो आप लोगों के प्रिंसिपल साहबान हैं उनके लिए ये है। उसके बाद हमारे पास कैंडिडेट्स कैन यूज़ ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पॉइंटर और मार्कर ओनली। सिर्फ आप दो कलर अलाउ होते हैं मोस्टली, वो यही हम यूज़ करते हैं, ब्लैक और ब्लू पॉइंटर बॉल पेन या फिर मार्कर आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा वही कोविड की सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कुछ ये भी पाबंदी लगाई है, वेयर फेस मास्क, ठीक है, मिनिमम सोशल डिस्टेंस जो है वो आप लोगों ने रखना है और फॉलो द इंस्ट्रक्शन बाय गवर्नमेंट रिगार्डिंग कोविड-19। अब फिलहाल यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं मेंशन किया गया कि आप लोग वैक्सीनेशन करवाइए ना करवाइए, लेकिन अपनी एहतियात के लिए जिन लोगों ने डोजेज लगवा ली हैं, चाहे वो एक डोज है चाहे टू डोजेज आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, तो अपना एक स्मार्ट सा जो है कार्ड बनवा लीजिए या फिर उसका प्रिंट आउट लेके भी आप जा सकते हैं ताकि किसी भी किस्म की दुश्वारी से आप लोग बच जाएं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी डेट शीट की। तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, 27 अक्टूबर को वो ख़त्म हो जाएगा। एक छुट्टी है सिर्फ संडे की और जो टाइमिंग है वो आप लोगों की 2:30 PM से लेकर 4:45 PM तक की आप लोगों की टाइमिंग है। तो इसी न्यूज़ के साथ, इसी खबर के साथ अपने सर को इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।